वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पस के। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि टू ट्रेंस स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम टू स्टेशंस एंड प्रोसीड टूवर्ड्स ईच अदर एट अ स्पीड्स ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर एंड 70 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। When they meet, it is found that one train has traveled 140 km more than the other. What is the distance between the two stations? दो ट्रेन एक ही समय में एक दो स्थानों से चलना शुरू करती है और क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलती है तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरे ट्रेन से 140 किलोमीटर अधिक यात्रा तय की है। तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी क्या है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो स्टेशन है, एक ये स्टेशन है एक ये स्टेशन है, जिसको ए पकड़ लेते हैं इसको बी पकड़ लेते हैं, और मान लेते हैं कि यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो ये हमने मान लिया कि ये यहाँ पे मिला है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे कि बोले एक ट्रेन स्टार्ट किया गया है जो कि सेम टाइम पे स्टार्ट किया गया, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है और ये चल रही है 70 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये यहाँ से यहाँ पहुँचती है और ये यहाँ से यहाँ पहुँचती है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये दूरी d तय करती है तो ये तय करेगी d प्लस 140। ठीक है, ये हमारा मतलब हो गया। तो सबसे पहले अब लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना होगी, इसको यहाँ से जितना समय लगा है इसको वहाँ से इतना ही समय लगा है, तो ये पहले हमें पता चल जाएगा। तो चलिए ये निकाल लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ जाने तक का इसका टाइम भी टी है और इसके टाइम भी जाने का टी ही है, तो ये कितना दूरी तय करेगा, 90 इंटू टी गति इंटू समय, ये कितना तय करेगा, 70 इंटू टी। अब बोला क्या गया है, ये कितना दूरी ज़्यादा तय करती है, 140। तो अगर इन दोनों को घटाएंगे तो 140 के बराबर आना चाहिए, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा, 20t इक्वल टू 140, मतलब t इक्वल टू 7 घंटे। ठीक है, तो हमें 7 घंटे पता चल गए कि यहाँ से यहाँ इसको 7 घंटे लग रहे हैं, यहाँ से यहाँ इसको जाने में 7 घंटे लग रहे हैं। तो हमें पूछा गया इन दोनों के बीच का दूरी, ठीक है, कैसे निकालेंगे हम लोग। तो इसको अगर हम 90 इंटू 7 कर देंगे, मतलब गति इंटू समय, तो ये दूरी निकल जाएगी, तो ये हो जाएगा 630। और अगर इन दोनों को गुना कर देंगे 70 इंटू 7, तो ये आ जाएगा हमारा इसकी दूरी 70 इंटू 7 490। तो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा है लेकिन आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले सकते हैं। तो अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू एंड